أحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم ربنا زدنا علما. 23 سي إن الذين يرمون المحصنات बेशक वो जो तहमत लगाते हैं पाक दामन, अलगाफिलाती बेखबर बोली वाली, अलमुमिनाती मोमिन औरतों पर, लुइनू वलानत किए गए, फिर दुनिया दुनिया में, वल्लाखिरा और आखरत में, वलहु अजाबुल अजीम और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। मजीद एक्सप्लेनेशन कि जो भी पाक दामन भोली बाली मोमिन औरतों पर आम बात हुई है, तो अगर खास की बात करें तो आयशा सदीका पर तोहमत लगाने का इंजाम कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखरत के अंदर भी उनके लिए दर्दनाक अजाब है। सही बुखारी में एक हदीस है कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह से रिवायत की जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सात खलाक कर देने वाली चीजों से बचो। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल वो खलाक करने वाली चीजें क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, उस जान को कत्ल करना जिसे अल्लाह ने हराम किया है मगर हक के साथ, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के दिन भाग जाना और पाक दामिन मोमिन और गाफिल औरतों पर तोहमत लगाना, ये सात खलाक कर देने वाली चीजें। तो आम औरतों के बारे में इतना सख्त हुक्म है, तो जो उम्महातुल मोमिनीन आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा के बारे में बुरा वाला कहते हैं उनका अंजाम क्या होगा? तो इसलिए हमें खास तौर पर तोहमत आज भी हमारा ये मुश्किल है, बगैर किसी तहकीक के जो है हम लोग दूसरों पर की ऐब जोई करते हैं तो तोहमत लगा देते हैं। अल्लाह तआला से माफी मांगनी चाहिए, इसकी एक बहुत बुरी चीज है। यहाँ पे एक चीज आप सोचते होंगे, पाक दामन औरतों की तो बात हुई, मर्दों की नहीं, कि हम मर्दों पे जब इल्जाम लगता है तो उनका क्या इंजाम है? तो सेम है, क्योंकि औरत का मर्द के साथ ही इल्जाम लगना है ना, मर्द के बगैर, यानी बात ही मर्द और औरत की हो रही है, तो जब औरत पर इल्जाम होगा तो वो दरअसल मर्द पर भी है, इसलिए एक ही बात हुई। तो इल्जाम ने किसी पे बगैर तहकीक के कोई बात नहीं करे। यौम तशहदु, जिस दिन गवाही देंगी, अलैहिम उन पर, अलसिनतुहुम सुबाने उनकी, व अईदीहिम और उनके हाथ, व अरजुलुहुम और पांव उनके, बिमा कानू इसकी जो थे वो अमल करते, लिसान उनसे अलसीना और यदुन से अईदी और रिजलुन से अरजुलु। राजुलु मर्द को कहते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे इस दुनिया में इंसान जो कुछ बोलता है, कलाम करता है, वो दिल के इरादे से बात करता है। दिल में झूठ बोलना, हेरा फेरी करने की नीयत हो तो इंसान की जुबान पर वही अल्फाज अदा होंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि दिल में कुछ और होता है, जुबान से हम कुछ और अदा कर देते हैं, लेकिन आखिरत में ऐसा नहीं होगा। आखिरत में ऐसा इंसान के इरादे के ताबे नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा क्या करेंगे? खुद जो हकीकत है वो बयान करेंगे। और आप देखेंगे, हम ये सोचते हैं ना कि क़यामत के दिन ये सब चीजें कैसे बोलेंगे, हाथ कैसे बोलेंगे हमारे, हमारी आंखें कैसे बोलेंगी, हमारे पाँव कैसे बोलेंगे। तो अगर मोबाइल से आवाजें आ सकती हैं, एक बेजान से सीढ़ी से आवाजें आ सकती हैं, तो हमारे जिस्मानी अज़ा जो अल्लाह ताला ने बनाए, जो जानदार हैं, इनसे भी आवाजें आ सकती हैं, तो क्या होगा कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला इंसान के अज़ा को जुबान अता कर देंगे और
फिर ये उस बंदे के हाथ में गवाही देंगे जिसके खिलाफ तोहमत लगाई थी। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं सही मुस्लिम में कि हम अल्लाह के नबी सल्लम के पास थे कि आप हंसे और फरमाया अल्लाह और इसका रसूल फरमाया क्या तुम जानते हो कि मैं किस बात पे हंसा हूँ। तो हमने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया बंदे की अपने रब के साथ गुफ्तगू पर, वो कहेगा ऐ मेरे रब क्या तुम मुझे जुल्म से पनाह नहीं दी। अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं। तो वो कहेगा फिर मैं अपनी जात पर अपने सिवा किसी को गवाह नहीं मानता, यानी मैं गवाही अपनी जात को खुद ही मानता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे आज तुझ पर तू खुद ही काफी है और किनामन कातिबीन काफी गवाह काफी है। फिर क्या होगा, उसके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और इसके एजाज से कहा जाएगा चलो तुम गवाही दो। ये अपने हक में खुद गवाही, और ये सबसे दर्दनाक गवाही है। इंसान कुछ नहीं छुपा पाएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा कौन जानता है, हमारा अपना आप। जुबान पर मोहर लगा दी जाएगी, उसके एजाज से कहा जाएगा बोलो, चनाचा वो बोलकर उसके अमाल बताएंगे। फिर उसे बात करने की इजाजत दी जाएगी तो वो अपने एजाज से कहेगा तुम्हारे लिए दूरी हो, तुम हलाक हो जाओ, मैं तुम्हारी तरफ से तो दिफा कर रहा था तुम्हें बचाने के लिए और अब तुम ही मेरे खिलाफ बोल रही हो। इंसान के अजा ही इंसान के खिलाफ गवाही देंगे, ये सबसे दर्दनाक गवाही है। मेरे हाथों को पता है मैंने हाथ किस लिए इस्तेमाल किए, लेकिन कोई और नहीं जानता अल्लाह के अलावा। इवन के इंसान के जिस्म का चमड़ा भी, स्किन भी बोलेगी। तो अल्लाह ताला के हुक्म से उस दिन इंसान की जुबानें, इंसान के हाथ, इंसान के पांव सब बोलकर इंसान के अमाल को के बारे में अल्लाह ताला को बताएंगे। फिर क्या बताएंगे, जो उन्होंने गुनाह किए होंगे, जो भी अमल किए होंगे। यौमा इज़िन उस दिन युवफ़ीहिम पूरा पूरा देगा उन्हें अल्लाहु अल्लाह, दीनुहुम बदला उनका, अलहक्कु दुरुस्त, जो भी उनका सही बदला होगा अल्लाह ताला उनको अता कर देंगे। वो यालमून और वो जान लेंगे अन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह हुआ वही अलहक्कु हक है अलमुबीन जाहिर करने वाला। अलखबीसातु खबीस औरतें, वल लिलखबीसीना खबीस मर्दों के लिए है, नपाक औरतें नपाक मर्दों के लिए है, वल खबीसूना और खबीस यानी नपाक मर्द लिलखबीसाती नपाक औरतों के लिए है, वत्तैयिबातु और पाकीज़ा औरतें लित्तैयिबीना पाकीज़ा मर्दों के लिए है, वत्तैयिबूना और पाकीज़ा मर्द हैं जो के लिए तैयबात ही पकीजा औरतों के लिए है। उलाई का यही लोग हैं मुबर्राउन मुबर्रा पाक मीमा उससे जो यकोलूना वो कहते हैं, लहुम उनके लिए मगफिरतुन मगफिरत है बख्शिश है, और फिर वरिस्कुन और रिस्क है करीमुन इज्जत वाला। इस आयत के अंदर एक नफ्सियाती हकीकत बताई गई है। वो हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि जो नपाक होते हैं वो उनका निभा नपाक मर्दों के साथ ही होता है, और जो पाक मर्द हैं उनका निभा पाक औरतों के साथ ही होता है। तो पाक औरतें नपाक मर्दों के लिए, नपाक मर्द नपाक औरतों के लिए, नपाक औरतें नपाक मर्दों के लिए, और इनके निकाह भी इस तरह होने चाहिए। जो पाक साफ है जो पाकीज़ है उसका निकाह कभी भी फाहिश इंसान के साथ और ऐसे इंसान जिसको इंसान को तकवा ना जिसके अंदर उसके साथ ना करें। ये अल्लाह का कानून है और हमें भी इंतखाब करते हुए सोचना चाहिए, ठीक है। दरअसल ना ये हमें तरीका सिखाया गया है कि जो पाक चीज है ना वो पाक की तरफ अट्रैक्ट होती है,
नपाक नपाक की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो फिर क्यों ये जुल्म करते हैं कि हम अपनी पाक बाज बच्चियों की शादियां नपाक मर्दों के साथ करवा देते हैं और जबरदस्ती करते हैं और स्टेप भी नहीं लेने देते। अब देखिए ना क्या इसमें होता है, नपाक मर्द होता है वो दूसरी अपनी बीवी के अलावा दूसरी औरतों के साथ जिसका ताल्लुक होता है तो वो अपनी बीवी के बारे में भी गैरतमंद नहीं होता। क्या कहता है, तुम भी दोस्त बनाओ और अपनी जिंदगी एंजॉय करो, यानी उसकी जिंदगी में हामद बीवी का कोई रिश्ता ही नहीं होता, सिर्फ फहाशी और उसके जहन के अंदर वो एक शैतान जो एक गलाजत भरी होती है वही होती है। तो क्या एक पाक बाज औरत ही सब बर्दाश्त कर पाती है, क्या उसके अंदर इतना स्टेमिना होता है कि वो इन सब चीजों को बर्दाश्त करे? कभी भी नहीं कर पाती। तो उसके लिए जिंदगी, और इसके बरक्स अगर वहां पे वही औरत हो जो उस मर्द जैसी है, तो जैसे मर्द करते हैं वैसे फिर औरत भी करती है और वो दोनों अपने अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ उनका जोड़ अगर गलत मिल जाए तो कितनी बड़ी अजियत है। पेरेंट्स को फिर पूछा जाएगा ना, वो इंतखाब नहीं बेहतरीन कर जानबूझ कर ली। पेरेंट्स पता क्या कहते हैं, कल ही मेरी एक स्टूडेंट के साथ बात हो रही थी तो उनकी थोड़ी सी कंडीशन इस तरह से थी, तो मैंने कहा आप अपने पेरेंट्स को बताएं, तो कहा पेरेंट्स तो कहते हैं तुम बहुत खुश हो, अल्लाह ताला ने इतना तुम्हें पैसा दिया, वो बंदा तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रख रहा है, तुम्हें और क्या चाहिए, हमारी नज़र में पैसे से बढ़ के कोई चीज़ ही नहीं है, इतने हम खुद गर्ज और दुनिया की मोहब्बत में इन्वॉल्व हो गए हैं, हमें लगता है जो हामंद अपनी बीवी के खर्चों का बस ख्याल रखता है वो बहुत ज्यादा अच्छा हामद है। तो अगर ऐसे रवैये, क्योंकि ऐसा रवैया वाकई नाकाबले बर्दाश्त है, एक है ना हामद माल नहीं पैसा नहीं देता, बीवी मेहनत करके सास सपोर्ट कर दे सबर कर ले, तो ये वाली जो चीज है ना ये बहुत ज्यादा परेशान करती है बहुत ज्यादा। इसके लिए आपको अल्लाह ताला से दुआ करनी पड़ती है या फिर अपने लिए स्टेप लेना होता है। क्या अपने लिए स्टेप लें और फिर अल्लाह से दुआ करें और पाकीज़ा हों कि अल्लाह आपके लिए किसी पाकीज़ा का इंतखाब करे। स्टेप में अलहदगी, और इसके अलावा इसका हल क्या हो सकता है, या फिर सबर। ठीक है, तो इस कंडीशन में ना थोड़ा सा कुछ लोग, कुछ ऐसा होता है कि जिनके बदलने के चांसेस होते हैं, कुछ के बदलने के चांसेस नहीं होते। 8 साल हो गए, 10 साल हो गए एक ही तरह से, और बीवी को भी गलत चीजों की तरफ कहना कि तुम भी इस तरह से करो। तो ये है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, किसी गरीब के साथ शादी करा दें लेकिन कम से कम करैक्टर तो अच्छा होना चाहिए ना, कि आप उसके साथ बात कर सके। करैक्टरलेस बंदे की तरफ तो देखने को भी दिल नहीं करता। तो इसलिए ये आयत इसलिए नहीं थी कि लोगों ने इसको समझना शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि पाक मर्द पाक औरतों के साथ उनकी शादियां होती हैं। दरअसल ये हमें एक बताया जा रहा है, आगाही दी जा रही है कि तुमने इंतहा इंसान ने, अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में ये चीज रखी है कि पाक चीज पाक की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो इसलिए जब इंतहाब करो तो बाकी चीजों को देखते हुए अगर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो करैक्टर, और हम लोग करते भी हैं, पेरेंट्स हैं या रिश्ता देखने वाले, किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, खूबसूरती पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उसके बाद दौलत पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, घर अच्छा होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज होता है तो दीन पे होता है। बहुत अफसोस की बात है कि कॉम्प्रोमाइज दीन पे कॉम्प्रोमाइज हम कर लेते हैं। चले हमें दूसरों की तरफ देख के सबक हासिल करना चाहिए कि जब स्टेप लें अपने लिए थोड़ा सा आप बोल सकते हैं, मैं उनके वालिदैन को समझाएं, एग्जांपल्स दें, कुरान से बताएं कि मेरी आखिरत का मसला है, मेरी औलाद मेरी नस्ल का मसला है, अगर इंतहाब अच्छा ना हुआ तो अल्लाह ताला ने इसी वो जो हमारी जर्नी टू माई लाइफ उसने डिस्कस करे थे ना,
कि दौलत भी देखी जाती है, हसब नसब भी देखा जाता है, खूबसूरती भी देखी जाती है, दीन भी देखा जाता है। तो बेहतर ये है कि तुम सबसे ज्यादा दीन को देखो, इस पे कॉम्प्रोमाइज ना करो। अपने लिए शदीद दुआ किया करें, क्योंकि हम बड़ों के आगे बाज़ औक़ात बोल भी नहीं सकते, लेकिन दुआ करें अपने लिए, खुसूसी दुआ किया करें। स्पेशली अभी आपके पास वक्त है, और ये दुआ आपकी जरूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करेंगे। एक मतलब तो इसका ये था। दूसरा मतलब ये था कि आयशा सदीका रज़ी अल्लाहु अन्हा पर उन्होंने तोहमत लगाई, तो उनको खुद सोचना चाहिए कि आयशा सदीका पाकीज़ा है, मुतहिरा है। तो मुतहिरा और पाक चीज कभी भी गलत माहौल या गलत रास्ते को चूज नहीं करती। तो उनके साथ जो जिसके साथ उनको जोड़ा जा रहा है वो भी पाक मर्द है। तो पाक मर्द और पाक औरतें नापाक रिश्तों में नहीं इन्वॉल्व होती। इसका मतलब ये भी है, पाक मर्द और पाक औरतें नापाक रिश्तों में इन्वॉल्व नहीं होती। आज हम देखें, हम लोग कहते हैं मेरी मोहब्बत बड़ी पकीज़ा, मैंने तो कभी कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन रिलेशन में हम होते हैं, चाहे वो आपकी एलिमेंट में ही है। तो पाक और नापाक औरत और मर्द, यानी वो वाकई पाक होते हैं, पाकीज़ा होते हैं, लेकिन ये कि अपने मामले में हमें लगता है कि ये पाक वाला काम है, और बाकी किसी और के साथ उसका तल्लुक होगा वो नापाक होगा। यानी हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर कोई लड़की मेरे साथ बात करे, या अगर कोई लड़का मेरे साथ है और बस मेरे साथ मुखलिस है, वफादार है, तो ये पाकीज़ा काम है जी, हमारी मोहब्बत बड़ी पाक है, किसी और जगह किसी और तरह से, यानी किसी और के साथ हम इन्वॉल्व नहीं। और दूसरा ये कि अपना जो रिलेशन है उसको हम पाक कहते हैं, दूसरों को नापाक। तो पाक औरतें और पाक मर्द गलत रिश्ते, गलत माहौल, नापाक माहौल के अंदर स्टे नहीं कर सकते, तो वो एक नापाक माहौल बन जाता है ना, जो उन्होंने आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा और जो सहाबी थे उनके बारे में बयान किया था। तो इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे उनकी मजीद पाकीज़गी को वाज़े कर रहे हैं। और फिर एक ये भी चीज कि जैसी यहाँ पे खबीस सोच और तय्यिब सोच भी मुराद ली जा सकती है, गंदे अकवाल और अफाल के साथ साथ। तो जो बंदा खुद नापाक होता है, खुद उसके अंदर गंद होता है, वो बंदा दूसरों के बारे में भी गंद ही बोलता है। और जो बंदा खुद पाक होता है, आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा पाक थी, उनकी सीरत, उनके अकवाल, उनके अफाल भी पाक थे, तो ये मुनाफिक खुद गंदे थे, इसलिए उन्होंने उनके बारे में भी गंदे अकवाल और अफवाल कहना शुरू कर दिए। उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून, यही यानी तय्यिब मर्द और तय्यिब औरतें इन बातों से साफ बरी हैं, जो लोग इनके बारे में तुहमत लगाते हैं दरअसल वो इनके रुतबे को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो तो बरी हैं। तो तोहमत लगाने वाले अपना अजर कम, मतलब अपनी बुराइयों को बढ़ाते हैं, और जिस पर तोहमत लगाते हैं उसकी नेकियां बढ़ जाती हैं। सब्र पर तो अल्लाह उनकी उनके बारे में कह रहे हैं, उलाइका मुबर्रऊन, ये लोग पाक हैं, मिम्मा यकूलून, उस पाक से जो ये लोग दूसरे लोग उनके बारे में कह रहे हैं। इनके लिए मग़फ़रत है, इनके लिए बख्शिश है उनके सब्र पर जिनको तकलीफ पहुंची, व रिज़्क़ुन करीम, और इज्जत की रोजी है। और फिर ऐसे ही हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लम, आयशा सदीक रजी अल्लाह अन्हा, उनके वालदैन सफ़वान रजी अल्लाह अन्हु, इन सब के लिए भी जन्नत की बिशारत है, और हकीकी रिस्क अल्लाह ने इनको अता किया, और हकीकी रिस्क ये है कि दुनिया में भी और आखिरत में भी सुकून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तदखुलू, ना तुम दाखिल हो, बुयूतन घरों में, गैर सिवाय बुयूतिकुम, अपने घर के, यानी अपने घरों के अलावा, बैतुन की जमा है बुयूत, अपने घर के अलावा किसी और के घर में जाओ तो बगैर इजाजत के दाखिल ना हो। हत्ता यहाँ तक के तस्तनिसू, तुम उन्स हासिल कर लो, यानी थोड़ी तुम्हें पता चल जाए कि सामने वाले को पता हो तुम आ रहे हो, व तुसलिम और तुम सलाम करो, अला अहलिहा, इसके रहने वालों पर,
ذلكم خير لكم یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو. سب سے پہلی بات کہ سورت کے شروع میں زنا اور بہتان کی بات ہوئی تو اب اس کا تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے کہ مردوں اور عورتوں کی میل جول میں روک تھام کی جائے جو زنا اور بہتان کا سبب بنتا ہے. یعنی بہتان ایسے لگایا جاتا ہے نا, کوئی مرد کسی کے گھر جائے بغیر اجازت کی, اگر تو اجازت لے تو وہ عورت کہہ سکتی ہے جی گھر میں غیر میرے پاس محرم کوئی نہیں ہے تو آپ نہ آئے جی, آپ میں آنے کی اجازت نہیں. ویسے بھی ایسے گھر جہاں پہ عورت اکیلی ہو اور اس کا محرم پاس نہ ہو تو غیر محرم کو لانے کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ اس سے فتنہ برپا ہو سکتا ہے. اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. گھر میں کوئی غیر محرم آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا محرم گھر ہو. اب یہ کہ اب کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر کے, اپنے گھر میں مراد وہ گھر جہاں انسان اکیلا رہتا ہو یا پھر اس کی بیوی رہتی ہو, تو اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے ہوئے تھوڑا سا بتاؤں, چونکہ ہمارے گھروں کے اندر تو اور بھی لوگ رہتے ہیں, پیرنٹس ہیں, ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں اور بھی جوائنٹ فیملی میں. تو جب گھر میں آئے تو اجازت لے کے آئے, چاہے دروازہ کھلا ہوا نا تب بھی پرمیشن لیں, پوچھیں کہ ہم اندر آ جائیں. نہیں پوچھ سکتے تو اشارہ دے دیں کہ ہم اندر آ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے صحابہ ماشاءاللہ سے اتنے ان کا عمل اتنا اچھا ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بھی اجازت کے ساتھ آتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ انہو جب کسی کام سے فارغ ہو کر گھر آتے تو دروازے پر آ کر کھانستے اور تھوکتے کہ کہیں ان کی نظر ہماری کسی ایسی چیز پر نہ پڑ جائے جو ان کو ناپسند ہے. تو بیوی کے معاملے میں بھی کچھ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا نا کہ محمد کے سامنے نہیں کی جا سکتی, تو پھر وہ بتاتے کہ میں آ رہا ہوں. تو طریقہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں آئیں تو اپنی ایک نشانی رکھ لیں. کچھ لوگوں کے نوک کرنے کا طریقہ ہمیں زبانی یاد ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ فلاں آیا ہے, بیل بجانے کا طریقہ بھی پتہ چل جاتا ہے اور چال کا طریقہ. کوئی آتا تو آتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے نا آوازیں نکالتے ہیں یا سلام, کچھ لوگ سلام لے لیتے ہیں, کچھ لوگ کھانسی کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہی آنا چاہیے جب بھی کوئی مرد گھر میں داخل ہو تو پھر کیا ہو کہ وہ بتا کیا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, جابر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زیادہ عرصہ تک اپنے گھر سے غائب رہے تو وہ گھر میں اچانک نہ آئے, گھر والوں کو پتہ ہی نہ ہو اور اچانک سرپرائز آگے کہنا. ہو سکتا ہے کہ گھر والے کسی ایسی کنڈیشن میں ہوں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہوں کہ جو اس کو نہیں پتا چلنا چاہیے, تو گھر والوں کی حیانت یا ان کی غلطی کی تلاش کے لیے رات کو اچانک سے ان کے پاس آ جانا کہ میں دیکھوں بھلا میرے پیچھے سے یہ کیا کرتے رہے, تو یہ غلط بات ہے, ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. کتنا خوبصورت دین ہے نا, ٹھیک ہے, کتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ جس میں کتنے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے. پھر اسی طرح گھر میں اجازت جب اندر آئیں تو اجازت مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, سلام لیں. بنو عامر کا ایک آدمی ہے, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی, کہنے لگا کہ ہم اندر آ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا اس کے پاس جاؤ اور اسے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ. وہ اس طرح کہے السلام علیکم, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس آدمی نے یہ بات سن لی اور کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اور وہ داخل ہو گیا. السلام علیکم, کیا میں داخل ہو جاؤں, اندر آ جاؤں, یہ ہے اجازت مانگنے کا طریقہ. پھر اسی طرح اجازت مانگنے کے طریقے میں ایک اور حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جاتا ہے اور وہ آپ کے پاس سیدھے چلا جاتا ہے اور سلام نہیں لیتا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں دوبارہ واپس جاؤ اور السلام علیکم کہہ کے آؤ. یہ ہے اللہ کے رسول کا طریقہ سکھانے کا. ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسے سکھانا چاہیے, واپس بھیجیں, واپس جائیں, جوتا اتارنے کے لیے واپس بھیج دیتے ہیں, واپس جاؤ اور سلام لے کے اندر آؤ.
इस तरह से। और इजाजत मांगने की तदाद, जब हम किसी के घर जाते हैं तो इजाजत अपने घर में तो चले हमें मांगनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा नॉक करें, रिंग भी 3 दफा करें थोड़ी देर ठहर ठहर के, ताकि जो बाहर वाले इतना ज्यादा ना नॉक करें कि उसको जल्दी हो जाए, कभी कभी तखीर हो जाती है, तो रुक रुक के 3 दफा कहें तो फिर अगर इजाजत ना मिले तो अंदर ना जाएं। इजाजत मांगने का तरीका, एक अगर आप दरवाजा खटका रहे हैं, खटखटाते हैं या फिर सलाम लेते हैं तो पूछ, अंदर से आवाज आती है कौन, तो अपना नाम बताएं। जाबिर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कर्ज के सिलसिले में हाजिर हुआ जो मेरे वालिद के जिम्मे था, मैंने दरवाजा नॉक किया, आपने फरमाया कौन है, मैंने कहा मैं हूँ, जिससे आजकल हम कहते हैं मैं, तो आगे से क्या अंदर से जवाब आता है, मैं तो बकरी होती है। तो मैं नहीं कहना चाहिए, कोई ना कोई बताना चाहिए अपना नाम, आपने फरमाया मैं तो मैं भी हूँ, मैं तो मैं हूँ, तो आपने इसको नापसंद किया। ठीक है, इजाजत मांगने का तरीका। फिर इसी तरह इजाजत मांगने, अंदर दाखिल होने के लिए ना हम क्या करें कि एक आदमी नबी सल्लम के पास आया और दरवाजे के सामने खड़ा होकर इजाजत मांगने लगा, तो नबी सल्लम ने उसे कहा उस तरफ हो जाओ या इस तरफ हो जाओ, क्योंकि देखने की वजह से तो इजाजत मांगी जाती है, यानी अंदर नजर नहीं पड़नी चाहिए, दरवाजे में इस तरह से खड़े हों साइड पे होके कि अंदर ना नजर जाए, ये भी तरीका इस्लाम हमें सिखाता है। अगर हम दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े होंगे दरवाजा ओपन होगा और फिर क्या होगा कि सब सामने नजर जाएगी, कोई औरत भी तो गुजर सकती है ना, इस वजह से ये भी एक तरीका है, औरत है या मर्द है किसी के भी घर में जाए तो साइड पे होके खड़े हो। फिर बगैर इजाजत जांगने की सजा, अबू हुरैरा रजी अल्लाह उनसे रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई आदमी तेरे घर में जाके जबकि तूने इजाजत ना दी हो तो कंकरी फेंक कर इसकी आंख फोड़ दे तो तुझ पर कुछ गुनाह नहीं होगा, यानी इस सूरत में ना किसास ना दियत, जो लोग लोगों के घरों में झांकते हैं छतों पर चढ़कर या फिर दरवाजों के जरिए से, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ तो यूं यूं करके देखना, तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत जो है बुरा अमल करार दिया। तो बहुत से तहजीब वाले ये आदाब हैं, ये सारे आदाब हमें पता होने चाहिए, बल्कि इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें, अपने बच्चों को भी सिखाने चाहिए, बताने चाहिए, स्पेशल अहादीस की सूरत में कि अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया और इस बच्चों को ना स्टोरीज की शक्ल में अल्लाह के नबी के अहकाम और आदाब सिखाने की जरूरत है, उनको पता हो कि अगर ये हम एथिक सीख रहे हैं तो ये हमारा दीन है जो ये हमें एथिक सिखाता है, इतना प्यारा खूबसूरत दीन। इंशाल्लाह बाकी इसके जो है वो बाकी कल डिस्कस करेंगे, अभी इतना ही है कि जब किसी के घर में दाखिल हों, इवन कि हम अगर इसको अपने घर पे भी अप्लाई करें, क्योंकि हमारा अपना घर भी हमारा अपना नहीं होता, हम अकेले नहीं वहां रह रहे होते, तो जब जाएं तो हम उसका ख्याल, ये ना सीधे मुंह उठा के आ जाए। अब कुछ घरों में इस तरह से होता है कि पेरेंट्स इन बाप उनके घरों में रवाज नहीं होता, भाई और बाप आए तो आते हुए बता के आए या दरवाजा नॉक करके आए या थोड़ा सा इशारा दे के आए, डायरेक्ट कमरे में आ जाना, और किसी भी हालत में हम बैठे होते हैं, इसमें ना किसी के रूम में जाने के भी आदाब शामिल है, किसी के रूम में जाए तो थोड़ा सा इशारा दें, क्योंकि रात को जब सोए होते हैं या फिर वैसे ही बैठे होते हैं तो कभी कभी जो है दुपट्टा भी नहीं होता और इस तरह की कंडीशन नहीं होती कि हम किसी गैर मर्द के सामने, वो अपना महरम भी क्यों ना हो, गैर मर्द तो नहीं कहेंगे, महरम के सामने भी खामत के अलावा वो हालत नहीं होती हमारी जाने की, तो महरम को भी बता के इशारा दे कर आना चाहिए, ये अच्छे घरों का तरीका यही होता है। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको तौफीक दे, हम छोटे छोटे ये जो अदाब है ना इनको सीखें, इन पर अमल करें, ये आहिस्ता आहिस्ता अमल खत्म होता जा रहा है, यकीन जाने हम घरों पे गौर करें, पहले जमानों में बड़ा अदब होता था, बाप के सामने कभी दुपट्टा नहीं था उतरता, अब तो बाप के साथ क्या क्या, बाप के सामने और के साथ बैठ के क्या क्या होता है, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारे घरों के अंदर ही ये मामला हो रहे। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.